आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नैनीताल में हूँ और कल मैं काफ़ी बच्चों से मिला, आज भी आप उसे मिल सकते हैं जब आप चाहें। 7007544717 ये हेल्पलाइन नंबर है मेरे दोस्त, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, मैं अपना पर्सनल नंबर क्यों दूंगा यार, खुद सोचो। तो इस पे मैं इस पे अवेलेबल नहीं हूँ, इस पे आपको हमारे मार्केटिंग हेड ब्रीफ करेंगे। तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉल करके मुझसे मिल सकते हैं। कल मैं कार्ड गोदाम आ रहा हूँ, अगर बहुत सारे बच्चे कार्ड गोदाम हल्द्वानी में रहते हैं तो कहते सर वहाँ पर आप आ जाइए, तो कल सुबह मीट करेंगे। और जो भी मीटअप का वीडियो है मैं डालूंगा, काफ़ी बच्चों से मैं मिला, मैं बहुत अच्छा लगा। तो चाइना की हम बात करेंगे। चाइना ने 40 लाख लोगों को उनके ऊपर लॉकडाउन लगा दिया। वही है कि आप घर को ना छोड़ें, इमरजेंसी हो तभी छोड़ें। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना में डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। 198 से ज़्यादा केसेस मिले हैं 17 अक्टूबर को और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ चाइना में कोविड 19 की एक और वेव देखने को मिल गई। चाइना में वैसे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाइना जो बताएगा हम उस पर विश्वास कर नहीं सकते। तो ये जो वेव है ना, ये चाइना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए चीन ने हमें देखते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है और हमको भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सर आप तो मतलब मास्क नहीं पहने, सर है मास्क है नहीं और आप हमको बोल रहे हो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ आपको कोई दिख रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ ना, और यहाँ पे भी देख लो वो नीचे हैं सबके सब। अच्छा है वैसे ना, पीछे लेके नैनी लेके, तो मैं तो वही बता रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है तो इसीलिए मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो आप मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगली वेव आ सकती है। भारत में थर्ड वेव आई नहीं, हम गरिमत मनाइए कि हम बच गए। तीसरी वेव आई नहीं, वैक्सीनेशन 100 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन कब आ जाए आपको नहीं पता। चीन में आप देखिए, चीन में भी वैक्सीनेशन फुल ऑन है, लेकिन देखिए चीन में फिर से वेव आ गई है। तो यहाँ पे वही है कि जैसे जैसे दुनिया खुल रही है वैसे वैसे वेव आती जा रही है, और ऐसा होगा क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ। कोविड को खत्म करने का एक ही तरीका, आप सबको वैक्सीनेट कर दो, जो कि अभी तो मुश्किल है। तो मंगलवार को चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस आए और 29 नए डोमेस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिले। जो कैपिटल है गांजू प्रोविंस, लांजू, वहां पे गांजू, वाह गांजू की कैपिटल लांजू, वहां पे 6 इन्फेक्शन देखने को मिले। 17 अक्टूबर को 198 केसेज आए थे जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी तक लांजू में 39 केसेज आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये 40 लाख लोगों की शहर है, इसको बंद कर दिया पूरी की पूरी तरह। बस टैक्सी सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज सब के सब बंद हैं। और उसके बाद नॉर्दर्न आउटब्रेक भी हमको देखने को मिला है अभी नॉर्दर्न चाइना में भी, आप देख सकते हैं ये मैंने NDTV का ये आर्टिकल खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न चाइना में भी ये आउटब्रेक देखने को मिला है। और इसमें तो देखिए अभी अब टूरिज़्म, जैसे अभी मैं कल बात कर रहा था तो नैनीताल में भी टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है, बहुत ज़्यादा, यही कोविड की वजह से। अब इकनॉमी खुल रही है, मैं भी थोड़ा सा घूमने आ रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वही है। तो मास टेस्टिंग हो रही है, 11 प्रोविंसेस में मास टेस्टिंग हो रही है। इसको कोविड को रोकने का तरीका एक ही है, मास टेस्टिंग करिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए। और कैसे आप रोक सकते हैं? रोक क्या मतलब, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन आप रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स इस बार होंगे 2022 के, और वो 100 दिन दूर हैं, और यहाँ पे कमाल ही है, मतलब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो ये ज़रूर आउटब्रेक होता है। तो वही चीज़ है, चाइना जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर रहा है। चाइना जो भी ठान लेता है उस पर बहुत ही स्ट्रिक्टली डील करता है। जीरो कोविड पॉलिसी है कि एक भी केसेस आना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से चाइना बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों से डील कर रहा है। और अभी देखते हैं कि 10,000 से ज़्यादा टूरिस्ट जो है उनको भी लॉकडाउन, अगर मान लीजिए कोई घूमने गया वो भी लॉकडाउन में फंस गए वहाँ पे, 10,000 से ज़्यादा टूरिस्ट। और यहाँ समझिए कि 6 ऑफिशियल्स ने थोड़ा सा मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर दिखा दिया था, उनको भी पनिश किया गया। तो चाइना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। तो फिलहाल कोविड की वजह से चीन ने 40 लाख लोगों को बंद कर दिया है। और क्या ये दुनिया में फैलेगा? हमको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।